अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। अब अयोध्या में रिंग रोड भी बनाई जाएगी। रामनगरी अयोध्या को 4 लेन रिंग रोड की सौगात मिली है। 68 किलोमीटर 4 लेन एक्सल कंट्रोल अयोध्या रिंग रोड को 3,935 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। सांसद जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर में वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए संशोधन बिल पर सरकार का पक्ष लेकर संशोधन बिल का उद्देश्य बताया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों से कहा कि आज देश में मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन उसका सदुपयोग होने के बजाय कुछ लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। वाराणसी में पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी से माता प्रसाद पांडे ने मुलाकात की। माता प्रसाद पांडे ने उनके गोदोलिया में स्थित उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि श्यामदेव राय चौधरी बीजेपी पार्टी से 7 बार के विधायक रह चुके हैं, तो वहीं उपचुनाव से पहले दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। किसानों पर कंगना रनौत के दिए गए बयान पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में आम आदमी पार्टी ने कंगना के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं लखनऊ में कंगना के खिलाफ आप पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लखनऊ के सबसे पॉश सरकारी कॉलोनी बटलर पैलेस में चोरों ने हमला बोला है। भाजपा के सहयोगी अपना दल के विधायक विनय शर्मा के घर पर वॉशरूम, वॉश बेसिन और अलग अलग जगह पर लगी हुई टोटियां चोरी कर ले गए। घर के बगल में ही पुलिस चौकी है। यूपी बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने नवाब सिंह यादव के डीएनए सैंपल मैच होने पर कहा कि अब अखिलेश यादव जनता से माफी मांगेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या और कन्नौज में हुए रेप कांड पर अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग उठाई थी। मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जन चौपाल लगाई है, जिसमें उन्होंने दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना। इन जन सुनवाई का केंद्र बिना नोटिस होमगार्ड को हटाने का मामला रहा। बताया जा रहा है कि 200 से अधिक शिकायत के बाद भी जिला कमांडेंट को हटाया नहीं गया है। वाराणसी के बीएचयू छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों को मिली जमानत का विरोध बदस्तूर जारी है। पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था, वहीं आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्तैद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे रोड की चौड़ाई कम होने के चलते बाल बाल बच गईं। दरअसल उनका काफिला परेड रोड की ओर से जा रहा था, अचानक रोड की कम चौड़ाई के चलते उनकी कार दूसरी कार से लड़ते हुए बाल बाल बच गई। घटना से गुस्साई मेयर ने मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी। बिजनौर में बढ़ते गुलदार के हमलों के बीच वन मंत्री अरुण कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, साथ ही जिले के लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिले में बड़ी संख्या में गुलदार घूम रहे हैं, इसलिए सभी लोग खेतों पर जाते वक्त अपने बचाव का विशेष ध्यान रखें।